गुम है किसी के प्यार में ऐश्वर्या शर्मा नजर आ रही थी पाखी के किरदार में। उन्होंने शो को अलविदा कह दिया है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आने वाली हैं, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर उन्होंने शो को क्विट क्यों किया। अब इस पर फाइनली चुप्पी तोड़ दी है ऐश्वर्या शर्मा ने। क्या कुछ कहा है ऐश्वर्या शर्मा ने, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूस। वेल, जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि ऐश्वर्या शर्मा अपने शो गुम है किसी के प्यार में को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लाइमलाइट में बनी हुई है। ऐश्वर्या शर्मा शो को अलविदा कह चुकी हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आएंगे, ये तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पता चल चुका था, वैसे तो हमें पहले ही पता चल चुका था और जो कि हमने आपको बताया भी था। फिलहाल सवाल ये था कि ऐश्वर्या शर्मा ने शो को अलविदा इसलिए कहा क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 करना चाहती थी। इस पर फाइनली ऐश्वर्या ने खुद चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं 2.5 साल से एक ही रूल कर रही थी और जिससे कि मैं बोर हो गई थी, मैं कुछ नया आजमाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, क्या नया कर सकती हूँ, मैं ट्राई करना चाहती थी और 2.5 साल से मैं एक ही किरदार से काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगी थी, जिसके चलते मैंने शो को अलविदा कहा और मुझे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 ऑफर हुआ तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया बस। वेल, अब ऐसे में ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि खतरों के खिलाड़ी भी काफ़ी एक्साइटिंग है, वो काफ़ी एक्साइटेड है शो के लिए। वैसे अभी अब देखना ये होगा कि बहू बनकर पाखी बनकर बहू बनकर हर किसी का दिल जीत चुकी हैं ऐश्वर्या शर्मा। वैसे में देखना ये होगा कि खतरों का सामना किस तरह से करती हैं। वहीं अगर सोर्सेज की माने तो ऐश्वर्या शर्मा को अच्छी खासी रकम भी मिली है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल ऐश्वर्या शर्मा को लेकर क्या कुछ कहना है आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।